हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर सास बहू की देसी रसोई। आज हम शक्करपारे बनाने जा रहे हैं, जिसे आप दिवाली के दिनों में बना सकते हैं। सबसे पहले हम 250 ग्राम मैदा लेंगे। अब हम इसके अंदर ऑयल डालेंगे, रिफाइंड ऑयल का यूज़ कर रहे हैं हम। इसे अच्छे से मैदे में मिक्स कर लेंगे। इसके अंदर हमने 100 ग्राम से कम ऑयल डाला है। जब हम ऑयल इसमें अच्छे से मिक्स करें, तब इस तरह से हमारे आटे को जब हम मुट्ठी में लें तो हमारी मुट्ठी बननी चाहिए। इट मीन्स हमारा डो सही है, हमने ऑयल इसके अंदर बिल्कुल सही डाला है। इस तरीके से हमारा आटा होना चाहिए। अब हम इसमें पानी ऐड करके इसका डो रेडी करेंगे। हमें हल्का गुनगुना पानी इसके अंदर ऐड करना है और इसका टाइट डो रेडी करना है। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम तैयार करेंगे इसे। अगर हम एक साथ ज़्यादा पानी डाल देंगे तो ये पतला हो जाएगा, इसलिए बिल्कुल थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हमें टाइट डो रेडी करना है। देखिए हम पानी की मात्रा कितनी ले रहे हैं, इतना पानी आपको लेते हुए इसका डो रेडी करना है। आटे को हम अच्छे से मसल लेंगे। डो हमारा ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। इस तरह से डो हमें बनाना है, टाइट डो होना चाहिए इसके लिए। 15 मिनट के लिए हम डो को रेस्ट पर छोड़ देंगे। 15 मिनट हो चुके हैं। अब एक बार हम आटे को अच्छे से मसल लेंगे। आटे के अकॉर्डिंग हम इसे 3 भाग में डिवाइड कर लेंगे, इसके 3 पार्टीशन बना लेंगे। गैस पर हमने ऑयल चढ़ा दिया है, एक पार्टीशन हमने इसका लिया है और अब हम इसे बेलना स्टार्ट करेंगे। इसे हमने मोटे में ही बेलना है। देखिए हमने इस लेयर में इसको बनाया है, थोड़ा मोटा ही बेलना है इसे। पहले हम इसकी स्क्वायर कटिंग कर लेंगे, इसका जो एक्स्ट्रा पार्ट है वो निकाल देंगे। अब हम इनकी स्क्वायर में कटिंग करेंगे। अब हम इन्हें एक प्लेट में लगा देंगे। इसी तरह से हम सारे बना लेंगे। अब हम इन्हें फ्राई करना स्टार्ट करेंगे। ऑयल हमारा लो गरम होना चाहिए। एक एक करके हम इसमें डालना स्टार्ट करेंगे। अगर ऑयल हमारा हाई फ्लेम पर गरम होगा और ज़्यादा तेज गरम होगा तो ये अंदर से कच्चे रह जाएंगे और बाहर से कलर चेंज कर लेंगे, तो इसीलिए हमें ऑयल का फ्लेम लो रखना है। इसमें हमने एकदम से कच्ची नहीं चलानी है। जब इसमें झाग खत्म हो जाए तब हम इसमें कच्ची चलाएंगे। अब हम इनमें कच्ची चलाएंगे। जब ये हल्के हो जाते हैं तो ये ऊपर की ओर आना स्टार्ट हो जाते हैं, फूलना स्टार्ट हो गए हैं ये। हमने इसे लो फ्लेम पर ही फ्राई करना है। देखिए इनमें कलर चेंज होने लग गया है। जब ये अपना कलर चेंज करने लग जाए तब हम इसका मीडियम फ्लेम कर देंगे। इनमें कलर चेंज हो चुका है, गोल्डन कलर हो गया है। अब हम इन्हें निकाल लेंगे। सारे शक्करपारे हमने निकाल लिए हैं। जब हम इसमें सेकंड पोर डालेंगे तो हमारा ऑयल लो फ्लेम पर गर्म होना चाहिए। इसी तरह से हम बाकी सारे भी शक्करपारे बना लेंगे। अगर हम इन्हें लो फ्लेम पर बनाएंगे तो ही हमारे जो शक्करपारे हैं वो खस्ता बनेंगे और कुरकुरे बनेंगे। लास्ट पोर हम इसका निकालने जा रहे हैं। सारे शक्करपारे हमारे रेडी होने जा रहे हैं। शक्करपारे हमने फ्राई कर लिए हैं। अब हम इनके लिए चाशनी रेडी करेंगे। चाशनी बनाने के लिए हमने 125 ग्राम के अकॉर्डिंग चीनी ली है। 250 ग्राम हमारा मैदा था, उसी के अकॉर्डिंग हमने चीनी ली है। जितनी हमने चीनी ली है उससे हम थोड़ा कम ही पानी लेंगे और कढ़ाई में ऐड कर देंगे और चीनी को भी डाल देंगे और इसकी चाशनी बनाएंगे। वैसे तो शक्करपारे दो तरीके से बनाए जा सकते हैं। एक हम जब हम मैदा को गूंथते हैं उसी के अंदर हम चीनी को मिला लेते हैं, एक हम पहले शक्करपारों को फ्राई कर लेते हैं और उसको फिर चाशनी में डिप करते हैं। तो हम चाशनी में डिप करने वाले बना रहे हैं। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें शुगर ऐड कर सकते हो। हमें एक तार की चाशनी रेडी करनी है। मीडियम फ्लेम पर इसी तरह से हम इसे चलाते रहेंगे। देखिए इसमें झाग बनने लग गया है। एक तार की चाशनी हमारी रेडी हो चुकी है। एक तार की चाशनी हमारी रेडी हो चुकी है। गैस का फ्लेम हमने बंद कर दिया है और अब हम इसके अंदर जो शक्करपारे ऐड कर देंगे और इसे चाशनी में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमें इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है। देखिए धीरे धीरे इसी तरह से हम मिक्स करते रहेंगे तो चीनी सूखने लग जाएगी। देखिए चीनी हमारी सूख चुकी है, इसके अंदर अच्छे से डिप हो चुकी है। शक्करपारों ने अच्छे से चाशनी को एब्जॉर्ब कर लिया है। दिवाली के दिनों में आप शक्करपारे इसी तरह से बना सकते हैं और इसे सफर में भी लेकर जा सकते हैं और एक महीना तक इसे कंटेनर में रखकर स्टोर कर सकते हैं। बिल्कुल परफेक्ट कलर इसमें आया है। हमारे शक्करपारे रेडी हो चुके हैं।
अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।